गिलोई बुखार के लिए रामबाण है। ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में भी काम करता है, इसीलिए इसके आयुर्वेदिक गुण के लिए इसे जीवंतिका भी कहा जाता है। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए, कब खाना चाहिए और खाने का सबसे सही तरीका क्या है, इन तमाम बातों को आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। गिलोय का इस्तेमाल अक्सर बुखार में किया जाता है। बुखार के अलावा इसका उपयोग कई औषधीय गुणों के लिए भी किया जाता है। डेंगू में गिलोय का सेवन प्लेटलेट्स कम होने पर किया जाता है, जिससे प्लेटलेट्स को बढ़ाने में काफी मदद होती है। इसके अलावा गठिया रोग के लिए भी गिलोय बहुत ही फायदेमंद होती है। ये डायबिटीज के मरीजों को ब्लड शुगर कंट्रोल करने में भी मदद करता है। बुखार में गिलोय का सेवन पाउडर, काढ़ा या रस के रूप में किया जाता है। इसकी पत्ती और तने को सुखाकर पाउडर बनाया जाता है। वहीं बाजार में गिलोय की गोली भी मिलती है। गिलोय का एक दिन में 1 ग्राम से ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी भी चीज का सेवन करने से पहले उससे होने वाले असर और तासीर को जानना बेहद ही आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि गिलोय का इस्तेमाल हर मौसम के लिए अच्छा नहीं होता है। आयुर्वेद में गिलोय की तासीर को बहुत ही गर्म बताया गया है, इसलिए सर्दी जुकाम और बुखार में ये काफी लाभकारी होता है। किसी भी बीमारी की दवा खाने से पहले उसके फायदे और नुकसान को जानना बहुत ही जरूरी होता है। इसके अलावा किस उम्र में और कितनी मात्रा में इसका सेवन करना चाहिए, ये भी मालूम होना चाहिए। इस बारे में आयुर्वेद विशेषज्ञ का मानना है कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को गिलोय का सेवन नहीं कराना चाहिए। गिलोय का सबसे अधिक सेवन बुखार में किया जाता है। हमेशा जमा बने रहने के लिए भी गिलोय का सेवन करना चाहिए। गिलोय का इस्तेमाल पाचन तंत्र को बेहतर बनाने के लिए किया जाता है। डायबिटीज के रोगी को ब्लड शुगर कम करने के लिए गिलोय खाना फायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल डेंगू में ब्लड प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए भी किया जाता है और वजन कम करने के लिए भी गिलोय का जूस काफी लाभकारी होता है। गिलोय का इस्तेमाल बुखार में एक आयुर्वेद दवा के रूप में लाभ पहुँचाता है। इसका इस्तेमाल डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत सारे फायदे होते हैं। डायबिटीज में गिलोय का सेवन करने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है और पाचन तंत्र बेहतर बनाता है। ये इम्यूनिटी बढ़ाने में भी मददगार होता है। मोटापा कम करने के लिए गिलोय के अनेक फायदे हैं, क्योंकि इससे शरीर में मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। आमतौर पर कहा जाए तो गिलोय का नुकसान न के बराबर है, वही कुछ मामलों में इसके सेवन करने से काफी नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। ब्लड शुगर कम होने पर गिलोय के नुकसान भी हो सकते हैं। यदि आपका पाचन ठीक नहीं रहता तो इसके नुकसान भी हो सकते हैं। गिलोय का इस्तेमाल गर्भावस्था में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो ये थे गिलोय के फायदे और नुकसान जो आज हमने आपके साथ साझा किए।